दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश सुबह से ही हो रही है, रात से रुक रुक कर लगातार ये बारिश हो रही है और दो दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो अगले दो दिन कई राज्यों में बारिश का अनुमान है, दिल्ली हो, यूपी हो, एमपी हो, हरियाणा हो, वहां पर बारिश का अनुमान है और बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी साफ दिखाई दी है। तो जरा सी बारिश हुई नहीं कि दिल्ली में असलियत सामने आ जाती है, नगर निगम की पोल खुलकर रह जाती है। फिलहाल कुछ राज्यों को लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है अगले दो दिन तक। तो तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में जहां रात से ही रुक रुक कर बारिश होती हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलें भी लोगों की बढ़ती हुई, क्योंकि ये तस्वीरें आप जैसे देख पा रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो अभी दो दिन का और वक्त है जब मौसम विभाग ने इसको लेकर जारी किया है अलर्ट कि अगले दो दिन कई राज्यों में बारिश होगी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा की भी बात कही जा रही है, एमपी की भी बात की जा रही है जहां बारिश का अनुमान है। तो बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलजमाव हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें हैं दरअसल, जहां पर थोड़ी सी बारिश के बाद जाम की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। दरअसल आईटीओ के इलाके की बात करें तो यहां पर कई ऐसे रोड्स हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जो थोड़ी सी बारिश के बाद ही तालाब में तब्दील हो जाती हैं, सड़क सड़क पानी नजर आती है और अभी स्थिति वहां पर कुछ ऐसी बनी हुई है। तो दूर दूर तक जहां तक भी नजर जा रही है जाम ही जाम नजर आ रहा है, सड़कें जो हैं, सड़कों में जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो एक और तस्वीरें देखिए आप, दिल्ली के ही आईटीओ की है, कितना पानी यहां पर भर गया है ये तस्वीर आप देख सकते हैं और लोग देखिए कैसे खुद को बारिश के पानी से बचाने के लिए एक हाथ गाड़ी का सहारा ले रहे थे कि उसमें वो चढ़ के शायद बारिश से बच जाए, भीगने से बच जाए, लेकिन यहाँ पर धक्का लगता है बैलगाड़ी को और ऐसे में संतुलन बिगड़ता हुआ और कुछ लोग पानी में गिरते हुए। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से थोड़ी सी बारिश और उसके बाद स्थिति यहां पर जद्दोजहद वाली बनती हुई नजर आ रही है। बारिश हुई और बारिश जहां लोगों के लिए राहत लाई है लेकिन कुछ आफत भी लेके आती हुई, आने जाने का जो संसाधन है वो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों में ला रहा है। दो तस्वीरें दिल्ली के हालातों को बयां करते हुए कि बारिश अगर दिल्ली में होती है, लोगों को उससे राहत मिलती है, तो कुछ परेशानियां भी हैं जिनका सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ेगा। तो एक तरफ आईटीओ की वो तस्वीर जहां पर थम्स आ गया है नजारा क्योंकि जाम की स्थिति वहां पर बन गई है, तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर जहां का कुछ फीट भरे हुए पानी में बसें, गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। देखना होगा कि क्या तब वहां पर स्थिति जो अभी बनी हुई है वो सुधर पाती है, क्योंकि अक्सर बारिश के ऐसे मौसम में नगर निगम की पोल खुलकर सामने आ जाती है।